हेलो, आदाब नमस्कार, गुड इवनिंग सत्य अकाल। इसके अन्य पेंटिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने फिर से एक बार लाइव आ चुके हैं, और आए हैं तो इस बार भी हम वही वाले आर्ट ट्रिक को कंटिन्यू करेंगे, और इसमें हम थोड़ा सा हमने चेंजिंग किया है। वो चेंजिंग का मतलब यह है कि इस बार वो पिछली बार हुआ था क्या कि बहुत से स्टूडेंट ने ये हमको बोले थे क्या कि सर, क्या इस ट्रिक को बोतल पे किया जा सकता है कि नहीं, है ना। तो मैं फाइनली आप लोग के लिए बोतल लेकर आया हूँ। ओके, इस पे भी हम आपको करके दिखाएंगे। तो एक बार आप लोग वीडियो को शेयर आप लोग जरूर कर दें। तो आज हम यही ट्रिक हम आपको बोतल पे भी करके दिखाएंगे। ओके, और ये बहुत सुंदर होने वाला है। स्टार्टिंग के लिए हम आपको थोड़ा सा बताते हैं कि इसको मैंने चिपकाया कैसे। ये देखिए, हम आपके सामने पहले से एक चिपका के रखे हुए हैं। ओके, चिपका के रखे हुए हैं, बट इसको चिपकाते कैसे हैं ये जानना आपको जरूरी है। वो क्योंकि जब ये जानेंगे तो ही आप इससे, इस पत्ते से बोतल आर्ट आप इससे कर पाएंगे। ओके ना। और हम वही ट्रिक आप लोग के लिए वो लेकर आते हैं जो मटेरियल आसानी से हर जगह अवेलेबल रहता है ना। और मोहम्मद खान वेलकम। तो आपसे निवेदन है कि एक बार वीडियो को शेयर आप लोग जरूर कर दें ताकि हमारा आर्ट और लोगों तक पहुंचे, और जब पहुंचेगा तो उनको भी सस्ता आर्ट अच्छे में सीखने का मौका मिलेगा। ओके, तो चलिए अब ये जैसे आपको पता है कि इस पे आज हम आपको करके आपको हम दिखाएंगे। श्रीनाथ जी कब दिखाएंगे? जल्दी दिखाएंगे, जल्दी दिखाएंगे। ओके, नौरीन वसीम जी वेलकम, वेलकम नीतू घोषाल। तो अभी आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए, इस पत्ता को मैंने बोतल के ऊपर भी मैंने चिपका दिया है। ये वही बोतल है जो सेम है ना, हमने इसके ऊपर भी चिपका दिया है ना। जो इसके ऊपर में चिपकाना आसान काम नहीं है, बट मैं अपने ट्रिक के जरिए है ना इसको मैंने चिपकाया है। ये देखिए, ये पीपल का पत्ता ही है, ये देखिए, और ये काफी मजबूती से चिपका हुआ है। और इसको आज हम कलरिंग करके इसको फाइनल ही करेंगे, और इस पे चिपकाते कैसे है वो भी हम आपको बताएंगे। बट उससे पहले जो हमने जो पिछला आर्ट मैंने किया है उसके ऊपर में हम एक कोट मार देते हैं ताकि अच्छा रहेगा, है ना। तो इसको यहीं पे रखते हैं, है ना, सामने रहेगा। और इस पत्ता को हम हटा देते हैं। ये देखिए, ये उस दिन वाला ये हमारा आर्ट था जो बिल्कुल ये सूख चुका है, ये बिल्कुल ये सूख चुका है ना, बिल्कुल ये सूखा हुआ है, बढ़िया सा। अमिता अमिता जी वेलकम। तो एक बार हम इसको बनाना हम शुरू करते हैं, इसकी कलरिंग करते हैं, तब तक इसको हम थोड़ा हटा देते हैं। ओके ना, और उसके बाद हम इस बोतल का श्री गणेश करेंगे। ओके, नमस्ते जी, नमस्ते। और आप लोग को बताना चाहेंगे कि अक्सर आपने ये सुना है। अब हम इस पे एक मिनट इस पे कलर ले ले, एक्रीलिक ही हम मार के दिखाते हैं वो, क्योंकि आप लोग के पास एक्रीलिक ही पेंट होता है ना, तो ये हम एक्रीलिक पेंट ही इस्तेमाल करेंगे। ओके, और इसके लिए हम लाइट ग्रीन हम मारना चाह रहे हैं। ओके, ये लाइट ग्रीन। तो लाइट ये ग्रीन हमारे पास तो नहीं है, बट हम बनाएंगे। अब बनाएंगे कैसे, ये येलो और ब्लू को मिक्स करके, और इसको थोड़ा हम इसमें पानी डाल लेते हैं अपने स्वाद के अनुसार, और इसको बनाते हैं। एक्रीलिक पेंट आप किसी भी कंपनी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ओके, अनु चौधरी जी वेलकम। और इसको पर हम ज़्यादा मोटा पेंट हम नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अगर ज़्यादा मोटा पेंट करेंगे ना तो इसका जो इम्प्रेशन है ना वो चला जाएगा, और हमें इसका इम्प्रेशन ही रखना है। और इसके ऊपर जो हम सोचे हैं ना वो गजब का बनाने वाले हैं। ओके, अंजना चौधरी जी वेलकम। और आप लोगों ने अक्सर ये सुना
ये सुना है कि लोगों का वीडियो वायरल होता है ना, लोगों का वीडियो वायरल होता है, बट हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है। हमारा वीडियो वायरल नहीं हुआ है, हमारा वायरल हुआ है पेज इसकी आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेज। ओके, इतने ज़्यादा लोग हमें लाइक कर रहे हैं, एक एक महीना में दस दस हज़ार लोग हमारे पेज को लाइक कर रहे हैं। बट इसको वायरल इसको नहीं बोलेंगे, लोग हमारी आर्ट को पसंद कर रहे हैं इसलिए उसको देखना ज़्यादा इसको पसंद कर रहे हैं। स्पंज चलाइए, बट इसको हम वैसे वायरल हम बोल सकते हैं। आप लोग को हम ट्रिक बताने के लिए आते हैं। ओके, और ये अभी इतनी सुंदर बन रहा है और इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग आर्ट अपना बनाइए कीजिए। और जिन्होंने वीडियो शेयर नहीं किया है कृपया करके वीडियो को शेयर और जरूर कर दें। और इस बोतल को भी हम इसकी कलरिंग करके आपको दिखाएंगे। ओके, और इसमें चिपका के भी दिखाएंगे। अभी ये दिखाएंगे, बहुत ही सुंदर इफेक्ट आ रहा है, बहुत ही सुंदर। ऐसा लग रहा है कि हमने पत्ता को तोड़ के चिपका दिया है, बट ये तो अभी बेस ही बन रहा है। ओके, ये बेस ही बन रहा है। और इस साल तो आप लोग को हम बड़ी अच्छे अच्छे आर्ट आपको सिखाने वाले हैं, मज़ेदार वाला, बस आप लोग देखते रहिए आराम से। ये दिखाते हैं आपको, ये देखिए, अभी ये इसका ये बैकग्राउंड का ये दिख रहा है। ओके, जो हमने पत्ता चिपकाया था अब ये अपनी रियल टोन में आ गया है, बट ये कंप्लीट नहीं है, अभी मैं बेस ही बना रहा हूँ, इसमें बहुत काम बाकी है, अभी इसमें बहुत ही ज़्यादा काम बाकी है, तो इसलिए अभी हम तब तक इसको हम बनाते हैं, तब तक हम इधर आएंगे। ओके, और इधर आएंगे तो आपको इसमें भी करके दिखाएंगे, ठीक है ना। उस दिन स्टूडेंट लोग बोले थे क्या कि सर एक चीज़ बताइए कि बोतल के ऊपर कर सकते हैं कि नहीं, तो उस टाइम हमने बताया था क्या कि शीशा पे नहीं कर सकते हैं, बट आप इसको कर सकते हैं। ओके, उसके लिए मैंने बुद्धि लगाया कि हम इसको किससे इसको कर सकते हैं, तो फाइनली हमने आप लोग के लिए लेकर आ गया। और आज 10 तारीख है, तो ये हमारा ये बॉल है ना, बाउल इसका आज आखिरी ज्वाइनिंग का डेट है, तो आप लोग जितना जल्दी हो सके इस क्लास को ज्वाइन कीजिए और इस आर्ट को सीखिए। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे बच्चे बने हैं, है ना, ये अंगूर है, ये मक्का है, भुट्टा है ना, और ये वाला क्या है, चेरी है ना, ये देखिए कितना सुंदर सुंदर है। इसमें हम आपको ये बाउल भी बनाना आपको सिखाएंगे, ये बाउल भी बनाना आपको सिखाएंगे। ओके, तो आप लोग इसको जल्दी से ज्वाइन कीजिए क्योंकि इसका आज आखिरी डेट है। हाँ,
हाँ अभी फिल्म अभी बाकी है, फिल्म अभी बाकी है मेरे दोस्त, है ना, एक 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 फिल्म का डायलॉग है ना, ये फिल्म अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो ये हम इसमें अब इसको हटाते हैं, ये देखिए तब तक ये आप लोग देख सकते हैं कि इसमें ऐसा इफेक्ट आया है, बट ये फाइनल नहीं है। ओके अभी हम इसमें बहुत काम करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा काम करने वाले हैं, ये अभी कंप्लीट नहीं है। ओके ना, तो इसको हटाते हैं और हम आते हैं अपने दूसरे आर्ट पे। उधर रखिए हवा में, रखिए पंखा की हवा में, तब तक ये सूखेगा, ये रहा। ओके अब इसके ऊपर मैं हमने जो चिपकाया है ना, यही पत्ता मैंने चिपकाया है ना, इसको चिपकाते कैसे हैं ये अभी हम आपको बताएंगे। ओके ये अभी हम आपको बताएंगे कि इसको चिपकाएंगे कैसे। गजल की वेलकम, कौन सी कलर आप घोले हो? हम एक्रिलिक कलर घोले हैं। ओके किसी भी कंपनी का एक्रिलिक घोल के लगा देना है। ओके तो ये बोतल है ये बना हुआ, और ये अभी बिल्कुल ये कोड़ा है, ठीक है, बट इसका हम इस्तेमाल नहीं करते, ये हम और कहीं से लेकर आए, कबाड़ी वाले से खरीद कर लेकर आए हैं। ओके हम नो ड्रिंकिंग नो स्मोकिंग कुछ भी नहीं, बीड़ी सिगरेट कुछ भी नहीं, बस घर में थोड़ा सा चाय मिल जाता है तो वो हम ले लेते हैं, बाकी ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके तो चलिए हम इस पे काम करते हैं। तो हमने इसके लिए इसी ही पत्ता का मैंने इस्तेमाल किया है, जो पीपल का पत्ता है। ओके यही है ना, उस दिन एक स्टूडेंट बोल रहे थे सर ये पीपल का पत्ता नहीं है। ओके और ये आज हमने पत्ता ही हम इसको लेकर आए हैं, और ये गीला है, बिल्कुल सूखा हुआ नहीं है, गीला है, ठीक है ना। तो आपको भी जो गीला वाला ही इस्तेमाल करना है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए हम इसको हम चिपकाएंगे। तो ये किससे आप चिपकाएंगे? एलर डाइट से आप चिपकाएंगे, एलर डाइट। ओके हमारे पास ये फेविकोल कंपनी का है, ये बड़ा वाला है, हम इससे चिपकाएंगे, बट ये भी एलर डाइट की ही तरह है, अच्छा काम करता है। तो ये हमारे पास है बड़ा वाला डब्बा है, ठीक है, वो छोटा डब्बा में भी आता है, तो आपको छोटा वाला डब्बा इस्तेमाल करना है। वेलकम परमीना जी, वेलकम रश्मि शर्मा। सर आपने किस पे पेंट किया, किससे पेंट किया? मैंने एक्रिलिक हमने कलर यूज मैंने किया है, वही वाला है आपके सामने, हमने इसको घोला था, अब लेट से आपने ज्वाइन किया है तो इसमें मेरी गलती नहीं है। ओके तो इसको अब हम एक मिनट, ये आप लोग को दिखते रहे, ये हमारे पास एक प्लास्टिक का कटोरी है, आपको बताना चाहेंगे कि एक रेजिन आता है और एक आता है हार्डनर, ये हार्डनर। ओके यहाँ पे हार्डनर, ये देखिए यहाँ पे है रेजिन लिखा हुआ है और यहाँ पे हार्डनर लिखा हुआ है। ओके वैसे ही एलर डाइट का भी आता है, कितना अलग अलग ML में भी आता है, उसको आप किसी भी पेंट के दुकान में हार्डवेयर के शॉप से आप ले सकते हैं। ओके तो इसको आपको 50-50% में ही मिक्स इसको करना होता है, 50-50% में, तो हम भी यहाँ पे 50-50% में ही इसको मिक्स हम करेंगे। ओके तो ये हम इसमें डाल रहे हैं, ये इतना हार्ड होता है कि अगर पत्थर को अगर आप चिपकाएंगे ना तो वो भी आसानी से ही चिपक जाएगा। ओके तो इसको भी हम डालेंगे इसमें, ये हमारा 1 साल ओल्ड है ये मटेरियल, आपको याद होगा कि मैंने इसी मटेरियल से कोल आर्ट का मैंने टेक्निक बताया था मिरर के ऊपर, है ना, इसी मटेरियल से। ओके तो ये थोड़ा सा सूख
सूख गया है, हार्ड हो गया है, बट हम इसी का ही इस्तेमाल हम कर रहे हैं। और यहाँ पे न लगे इसके लिए हम अखबार का यूज करेंगे। ओके, यहाँ पे अखबार हम बिछाएंगे, एक अखबार दे दीजिए, क्योंकि ये टेबल पे लग जाएगा ना तो वो थोड़ा सा नुकसान करेगा। ओके, तो हम इसको ढककर हम फिर से इसको बंद हम कर देते हैं और नीचे अखबार हम बिछा लेते हैं सर। हॉट ग्लू चिपका सकते हैं। एक और लाइए अखबार, एक और लाइए। आगे आइए, अब आपको गौर से मेरी बात को सुनना है कि जो एलर डाइट आप इस्तेमाल करेंगे ये तो आपको काफ़ी महंगा आएगा वो, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है ना, और ये हर जगह आपको मिलता भी नहीं है। ये आपको जहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट है या बड़ा पेंट का दुकान है वहाँ आपको मिलेगा। ओके, तो आपको एलर डाइट ही लेना है, बट एलर डाइट आप लेंगे ना तो उसको जब आप मिक्स करके बनाएंगे तो उसको आपको करना है क्या, किस इस पत्ता में लगाने के बाद। ओके, और ये लगाने से पहले इस पत्ता को, इसकी ये है ना, यहाँ से आपको कटिंग करनी है। ओके, इसकी आपको ये डंडी हटानी है और इसके पीछे साइड में लगाना है, पीछे साइड में। ओके, तो इसको लगाने के बाद इसको उसी टाइम चिपकाना नहीं है, अगर उसी टाइम अगर आप चिपकाएंगे तो ये मटेरियल को थोड़ा सा ठीक होने में, सूखने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप ऐसे 4-5 पत्ते में लगा के नीचे रख देंगे और आधा घंटा के बाद, एक घंटा के बाद आराम से इसके ऊपर आप लगाएंगे और चिपकाएंगे। बट यहाँ पे हमारा ये ऑलरेडी ये पहले का ठीक है, वो क्योंकि ये ओल्ड है तो ये सूखा हुआ है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इसका यूज हम करेंगे। बट वो जो बातें हैं मैंने आपको बताया है ना, वो क्योंकि हमारे पास ये चीज़ है सूखा हुआ है, आप लोग लेकर आएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा लिक्विड होगा तो उसको चिपकाएंगे तो आप बोलेंगे तो हमसे तो चिपका नहीं है ना, तो आपको 10 गाली भी दे सकते हैं आप, है ना, कि नहीं नहीं डब्बा में कुछ और होगा। तो इसलिए जो रियल बातें हैं वही हम आपको बता रहे हैं। ओके, लगाने के बाद आपको छोड़ देना है। अब हमने एक ब्रश लिया है, ब्रश वही इस्तेमाल करना है जो आपका यूज करना हो। ओके, वो क्योंकि इसमें जाने का मतलब है ब्रश खराब। ओके, तो यहाँ पे हमें इस ब्रश को हमें खराब करना है तो हम इसको इसमें डाल देते हैं, ये हमने लगा देना है। और ये लगाने के बाद हम आपको दिखा रहे हैं इसको लगा हम कैसे रहे हैं। ओके, ये हम आपको जो टेक्निक बता रहे हैं उसको आपको फॉलो करना है। ओके, और ये इसमें आपको गीला पत्ता ही इस्तेमाल करना है। ओके, गीला पत्ता ही, क्योंकि वो आसानी से फोल्ड हो सकता है, मुड़ सकता है। अगर सूखा वाला लेंगे तो होगा क्या, टूट जाएगा, बीच में ही टूट जाएगा, फट जाएगा, तो आपका काम है ना वो बिगड़ जाएगा। ओके, और एक बार जब ये चिपक जाएगा तो वो तो सूखेगा है ना, चाहे उस टाइम ना सूखे, 2 दिन के बाद सूखे, यानी पत्ता की हम बात कर रहे हैं, पेंट की बात हम नहीं कर रहे हैं। कहाँ है और हमारा ये भी है, ठीक है, इसको भी हम उलट के हम लगाते हैं। और इसकी कलरिंग आपको करके अभी हम दिखाएंगे, इसकी कलरिंग आपको इस बोतल को करके दिखाएंगे।
तो आप लोग हमारे आर्ट को इतना पसंद कर रहे हैं, उसी का नतीजा है कि हमारा जो ना पेज है ना लाखों में देखा जा रहा है, लाखों में हमारे पास मैसेज आते हैं कि आपका जो पेज है ना इतने लाख लोगों के पास पहुंचा है ना। तो इसीलिए महीना का 10-10 हज़ार लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, जो एक अपने आप में एक बड़ी बात है। ये देखिए हमने चिपका दिया ये, ओके। अच्छा फोटो वाला, पोर्ट्रेट वाला, ये पोर्ट्रेट वाला आप हमारा ग्रुप आप ज्वाइन कीजिए। हम इसकी फीस के बारे में भी हम जल्द बताने वाले हैं, और क्या चीज़ बनाएंगे वो भी हम आपको बताने वाले हैं, ओके। इसीलिए मैंने उसमें लिखा है कमिंग सून, ओके, इसीलिए मैंने लिखा है वो, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि ये चीज़ आ रहा है। अभी हम ये चीज़ हम लगा कर रख रहे हैं ना, अभी चिपका नहीं रहे हैं, ओके। आज जो आपको ट्रिक बताने वाले हैं ना वो गजब का है, ओके। अब अभी आप लोग सोचेंगे कि इसको हम चिपकाएंगे कैसे, है ना। ये हमने गम तो लगा दिया है, चिपकेगा कैसे, है ना। बट यहाँ पे हर मर्ज का दवा है, आर्ट वाला मर्ज, ओके, आर्ट वाला मर्ज। अब जैसे हम ये पत्ता लेते हैं, अभी हम इसमें गम मैंने नहीं लगाया है, चिपकेगा कैसे ये बताइए, है ना। चिपकाना मुश्किल हो जाएगा, बट हम आपको ये चीज़ चिपका के दिखाएंगे। तो बट अभी हम तीन पत्ते ही आपको चिपकाएंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, उसमें कलरिंग भी करना है। बस हम आपको बता रहे हैं इस टेक्निक से आप चिपका सकते हैं, ओके। तो उसके लिए हम आपको चिपका के दिखा देते हैं। तो इसको हम अपना हाथ भी साफ कर लेते हैं और इसको हटाते हैं इधर साइड में, ओके, और इसको भी हटाते हैं। और ये देखिए हमने ये लिया, और इसके ऊपर आपको ये जैसे चिपकाना है ऐसे ऐसे ऐसे, ओके, ये हमने चिपका दिया है, ओके, ये मैंने चिपका दिया, ओके ना। ये उठा हुआ है तो इसको हम थोड़ा सा कैंची से इसको काटेंगे। तो ये भी अब ये चिपक जाएगा, ओके ना। ऐसे ही आपको एक एक पत्ता को लेकर के अपने हिसाब से आड़े तिरछे जैसे लगाना है इसको आप लगाते जाइए। और आपको बता रहे हैं यही पत्ता नहीं, आप कोई भी पत्ता आप इसमें इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ओके, कोई भी पत्ता, ठीक है। ये मैंने चिपका दिया, बट ये चिपका नहीं है, ये चिपका नहीं है, ये चिपकाना टूटेगा तो नहीं ना। अब हम आपको बता रहे हैं कि अब हमें करना क्या है, ठीक है। ये चिपका नहीं है, अभी ये निकल जाएगा, बट इसको मजबूती दिखाने के लिए आप धागा लेंगे, धागा, ओके, ये आपको धागा लेना है, कोई भी धागा चलेगा, ठीक है, रबर भी ले सकते हैं, ओके, धागा या रबर कुछ भी ले सकते हैं। अब हमने इसको बैठाने के लिए इसको ये धरती हमने इसको बांध दिया इसमें, ओके ना। अब हम इसको यहाँ से लपेटना शुरू कर रहे हैं, ये देखिए इसको लपेटना हम शुरू कर रहे हैं,
ये देखिए अब ये जाएगा कहाँ, है ना, ये अब ये कहीं नहीं जाएगा, इस बोतल को छोड़ के ये कहीं नहीं जाएगा। तो ऐसे ही आप जितने चाहे पत्ते इसमें लगा करके गम के साथ में इसको ऐसे लपेट देना है, ओके, इसको लपेट देना है। तो ये धागा से ये जोर से पकड़े रहेगा, छोड़ेगा नहीं ये, है ना। तेरा क्या होगा कालिया, है ना, ये देखिए इसको आड़े तिरछे इसको मैंने लगा दिया, इसको हटाते हैं थोड़ा, ये आड़े तिरछे इसको हम ऐसे कर रहे हैं, ओके। यानी आपको जो पत्ता है ना टोटल में लगा देना है, ओके, सब में लगा देना है। बट हम आपको यहाँ पर दो तीन पत्ते ही लगा के आपको दिखाए हैं कि ताकि आपको आइडिया इसी से ही मिल जाए। हमारा काम है आपको ये ट्रिक बताना, है ना। खूब अच्छी तरह से आपको धागा लपेट देना है, ऐसे ऐसे ये हो गया, ओके। जहाँ पे उभरा हुआ लग रहा है वहाँ पे ठीक से फिक्स कर देना है, ओके। तो ये सब जो ट्रिक है हम आप लोग के लिए लेकर आते हैं। आप लोग ऐसे उस दिन बोले थे सर बोतल पे कर सकते हैं, शीशा पे कर सकते थे, मैंने आपको बोला कि नहीं कर सकते थे, है ना, बट मैंने आपको करके दिखाया कि आप शीशा पे भी कर सकते हैं, ओके। तो ये तो हुआ बोतल की बात, अगर प्लेन जगह पे करना हो तो इसको कैसे करेंगे, है ना। तो उसके लिए अभी बताता हूँ, ओके, अभी हम आपको बता देता हूँ कि उसके ऊपर भी आप ये धरिए, ये अच्छी तरह से ये बाइंड हो गया है, ये अच्छी तरह से इसको ये पकड़ बना लिया है, ओके। बट यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि ये जो धागा मैंने इस्तेमाल किया है वो वाला धागा पतंग वाला धागा है, ओके। हमारे पास वैसा वाला धागा था नहीं, तो हमने जो मिला उसी का इस्तेमाल मैंने कर दिया। बट जो नॉर्मल जो धागा इस्तेमाल करेंगे तो इसमें आसानी से चिपका रहेगा, तो कुछ ही ऐसा आएगा, ओके। जैसे ये सूख जाए, अब यहाँ पे है क्या कि जब मैंने इसको दबाया है ना तो जहाँ पे ज़्यादा जो इसमें गम लगा है ना वो बाहर आ रहा है, तो उसको आप ऐसे पोंछ देंगे, ठीक है, इसको पोंछ देंगे, ठीक है। वेलकम शारदा फुलेगी जी। तो इसको पोंछ देंगे और इसको करने के बाद इसको अब रख देंगे। अब इसमें होगा क्या कि आपको इसको आधा घंटा पे आपको इसको ये इसको चेक करते रहना है कि कहीं से निकल तो नहीं रहा है। अगर निकल रहा है तो उसको दबा दीजिए, उसको दबा दीजिए। जब आप दबाएंगे तो फिर से वो फिक्स हो जाएगा, और जब ये फिक्स हो जाएगा तो ये फिर अपना पकड़ बना लेगा। फिर जब ये सूख जाएगा, इसका सूखने का टाइम आपको बता रहे हैं 1.5 से 2 घंटा, ओके, 1.5 से 2 घंटा में ये अच्छी तरह से चिपक जाएगा। चिपकने के बाद इस धागा को आपको निकाल लेना है, आसानी से धागा निकल जाता है, ओके। और उसके बाद आप इसके ऊपर में डायरेक्ट एक्रिलिक कलर, जेसो, कुछ भी करके इसका बेस आप बना के इसकी कलरिंग आप कर सकते हैं, ओके। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मैंने इसके ऊपर में चिपकाया कैसे, है ना, आसान तरीका। और ये मजबूती से इसके ऊपर में एक और बात आपको बता रहा हूँ कि बोतल के ऊपर में इस मटेरियल पे ऊपर में हमने जो पहले जो लेकर लगाया था या वार्निश लगाया था, इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो नीचे वाला बेस है ना वो ऑलरेडी मजबूत है, ज़्यादा मजबूत है, तो निकलने का चांसेस बिल्कुल नहीं है। ये ऐसा मटेरियल है कि जहाँ एक बार ये चिपक जाएगा ना तो वहाँ से नहीं टूटेगा और कहीं से टूटेगा, अगर उसको टूटना होगा तो, ओके, वहाँ से नहीं निकलेगा, ओके। तो अब हम ये हटाते हैं और अब इस पे आते हैं, ठीक है, इस ग्लू
को हम यहाँ से हटा देते हैं और अब हम इस ब्रश को भी हटाते हैं और हम इस अखबार को भी हटाएंगे क्योंकि अखबार में बहुत सारा गम लग गया है, तो इसको हटा दें, यहीं रखते हैं क्योंकि बीच में आप लोग को दिखाने की भी ज़रूरत पड़ेगी ना। अभी हम ये अखबार हटा देते हैं क्योंकि इसका काम हो गया, ठीक है। हमें कोई ये इसको हटा दीजिए। अभी हमारा हाथ है ना, ये थोड़ा सा चिपचिपा हो गया है, हाथ चिपचिपा हो गया है और ये इतनी आसानी से वैसे जाता नहीं है। इसको सो जाएगा साहब, और बस 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 इससे नहीं होगा साहब। चलिए ठीक है, हम अब आते हैं इस पे। ये वाला ये ग्लू कौन सा है? ये ग्लू आप एलरडाइट आप लगाएंगे एलरडाइट, बट मैंने यहाँ पे इसका इस्तेमाल मैंने किया, ओके। इसका आप लोग इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हमारा नंबर है 9891338339, ये हमारा मोबाइल नंबर है। अगर ये जिनको भी पेड क्लास अगर ज्वाइन करनी है, अभी हमारे पास एक तंजोर पेंटिंग की जो है पेड क्लासेज है वो आप सीख सकते हैं। इसके अलावा और भी हमारे पास बहुत से क्लासेज हैं, ठीक है। ब्यूटीफुल एंजल हो गया, श्रीनाथ जी, बालाजी, ये सब लाइव क्लासेज है, ओके। बट ये जो तंजोर पेंटिंग है ये रिकॉर्डेड है, ये रिकॉर्डेड है, इसकी क्लासेज हो गई है, बट आप सीखेंगे तो आपको आनंद आएगा, ओके। तो चलिए हम फिर अपना काम शुरू कर रहे हैं एक्रिलिक पेंट में, ओके। तो ये है हमारा बोतल, तो सबसे पहले हम इधर वाला एरिया पे हम आते हैं। इसमें कौन सा कलर हम कर दें, तो ये हमने एक कटोरी लेना है, ये वाला कटोरी अच्छा होता है, लिखो फेंको। अस्सलाम वालेकुम मारिया जी, वेलकम कोमल पटौरी। तो हम उसी का इस्तेमाल करते हैं, अब यूज कीजिए और फेंक दीजिए, धोने का झंझट नहीं, ओके ना। तो अब हम इसमें एक्रिलिक पेंट ही यूज हम करेंगे, तो इसके लिए हम येलो कलर हम लेते हैं और इसमें हम डाल देते हैं और थोड़ा सा बंड सेना, थोड़ा सा येलो भी डाल देते हैं। अब इसका हम एक मिश्रण बनाएंगे और इस पर हम लगाएंगे इस ब्रश के माध्यम से। ये वाला जो ब्रश है ना, कौन है ये प्यारा ब्रश हमारा, कौन सा है, आ जाइए आप, आ जाइए। अनिल स्वामी जी वेलकम। तो हम इसमें अब ये पानी डाल रहे हैं इसको पतला करने के लिए, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा पानी आ गया है, इसको थोड़ा सा हम ये कर देते हैं। इस पे हमने जो पेंट किया है एक्रिलिक पेंट मैंने किया है, ओके। सर ये पॉपुलेशन बता देते, पोल्यूशन ये तो मौसम विभाग वाले का क्वेश्चन है, ये है ना। अभी दिल्ली में टेम्परेचर वैसे ठीक ठाक है, 30-32 डिग्री चल रहा है। ये देखिए हम इसको उल्टा करते हैं क्योंकि उल्टा से ही हमें इसमें काम करना है, और इसको इस पे रखते हैं, ओके ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ से इसको थोड़ा सा ये लाइट लेना है,
इसी कलर को और इसी कलर को थोड़ा सा नीचे हमें बूंद के सहारे गिरा देना है, ठीक है। उसमें बट पीला दिख रहा है, बट पीला नहीं है, पीला नहीं है। हर्षा साहू मंडल जी वेलकम। तो आप लोग भी बोतल के ऊपर भी पत्ता चिपका के काम कर सकते हैं, ओके। बोतल के ऊपर भी पत्ता आप लोग चिपकाइए और आर्ट बनाइए, कोई भी पत्ता चलेगा, ओके, जो आपको अच्छा लगे, पीपल का, बरगद का, आम का, है ना। ये एरिया पहले मैंने वाइट किया था। दिल्ली में आप कहाँ रहते हैं? हम उत्तम नगर में रहते हैं। इधर आइए पानी। सर ग्लू फिर से बताइए। एलर डाइट आपको इस्तेमाल करना है। इसको थोड़ा थोड़ा सा मिक्स करके इसको सुंदर सा शेप में, शेडिंग में देना है। एक बार आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दें। अब बताइए, ये बोतल आर्ट हम आपको पत्ता से करके दिखा रहे हैं, और उस वाले पेंटिंग में आज काम हम वैसे नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें हमने जो सोचा है ना, वो गज़ब वाला मैंने सोचा है, उसमें हम थोड़ा टाइम लगा के करेंगे और अच्छा करेंगे, क्योंकि हम जो ट्रिक लेकर आते हैं ना, उससे आप लोग को अच्छा आर्ट सीखने के लिए मिलता है। अगर वो अच्छा नहीं होगा तो आप लोग कभी ये मन करेगा कि अरे इनसे तो अच्छा बना नहीं, तो हम कैसे बनाएं, है ना। तो हम आपको अच्छा बना के दिखाएंगे, ओके। यहाँ पे थोड़ा सा मैं मर्ज करना है किसी को ही, यहाँ पे पानी से। गिन्नी जी वेलकम। गिन्नी बहल है ना, वो हमको शुरू से ही फॉलो कर रही है, शुरू से जब हम लाइव आना हम शुरू किए थे, तो ये पहले दूसरे लाइव से ही हमको देख रही है। तो आप लोग का विश्वास है कि आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं, और आप लोग का विश्वास हम टूटने नहीं देंगे। आप लोग के लिए अच्छे अच्छे आर्ट हम लेकर आते रहेंगे, और वो भी टाइम से। आप लोग टाइम याद कर लें, ओके। संडे और सैटरडे दिन को 2:30 बजे, और वेडनेसडे रात 9 बजे, ओके ना, रात 9 बजे। तो यहाँ पे मैंने इसको मिक्स करके कुछ ऐसा हमने बना दिया। ये देखिए अच्छा लग रहा है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। इस पे पेंट करने के लिए आप एक्रिलिक पेंट और जेसो कुछ भी आप इस पे आप कर सकते हैं। हाँ, इस पे मैंने पहले वाइट मैंने किया था, ओके, और यहाँ पे मैंने ये पत्ता चिपकाया है। पत्ता चिपकाने के बाद इसके ऊपर मैंने पेंट किया है। साथ साथ सर आप मटेरियल बता दिया कीजिए। होता है क्या कि जब हम लाइव आते हैं ना, तो पहले से हम सोच के बैठते नहीं, हम एक घंटा पहले हम सोचते हैं, ओके, कि चलो आज ये लेके बैठ जाते हैं वो, क्योंकि इतने सारे हमारे पास काम है ना, कि उसको भी हमें करना पड़ता है टाइम से,
हम टाइम के बड़ी ही पंचुअल आदमी हैं, टाइम से हम हर काम करते हैं। और इसी टाइम को देखते हुए आप लोग भी आते हैं ना टाइम से। ये देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा और इसमें अच्छा करने के लिए थोड़ा सा और भी इसमें टेक्चर आप दिखा सकते हैं कोई दूसरा कलर का। तो हम इसमें डायरेक्ट इस बार जो है बर्न्स है ना हम लेंगे। ओके वेलकम फातिमा जी। तो इसको कैसे रखूँ, रुक जाएगा, हाँ रुक गया, कहाँ गया ढक्कन। इधर ये साइड में हल्का हल्का डार्क कर देंगे। तो आप लोग भी पत्ता चिपका चिपका के पेंटिंग बनाइए, है ना, बेस में पत्ता ही बनाइए। और लोगों को बताइए कि हमने ये पत्ता से मैंने बनाया है। और आप लोग जब इस आर्ट को जब करते हैं और मुझे भेजते हैं तो हमें काफ़ी आनंद आता है, मज़ा आ जाता है आप लोग को आर्ट को देख के। और इतना मज़ा आता है कि जितना कि हम अपना जो आर्ट करते हैं उससे भी हमें उतना मज़ा नहीं आता है जितना कि आप लोग का आर्ट देख के मज़ा आता है। वेलकम खुशबू गुप्ता जी। ये देखिए पत्ता पे चिपका हुआ है, नहीं पत्ता चिपका हुआ है बोतल पे। हाँ जी हाँ जी, मैंने ये चिपकाने के बाद इसके ऊपर मैंने पेंट किया है एक्रीलिक पेंट। आप भी एक्रीलिक पेंट ही कीजिए, चाहे जेसो कीजिए, चाहे इमल्शन भी कर सकते हैं। ओके तो हमने हेडिंग में ऐसे कर दिया है। अब हम करेंगे इस पत्ता को। चलिए अब इसमें हम ज़्यादा नहीं करेंगे, ये ज़रूर बनाएंगे। ब्यूटीफुल जी, अंजलि प्रकाश जी वेलकम। और अभी हम इंस्टाग्राम पे भी लाइव हैं, थोड़ा सा ये सूखते जाए। अपना नंबर बता दीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9891338339, 9891338339। ये हमारा बड़ी प्यारा नंबर है, इसी को हम यूज करते हैं। वेलकम सुनीता मेहता जी, संदीप चौधरी जी वेलकम। ओके अब हम आते हैं इसके नीचे वाले पे, बट ये थोड़ा सा गीला है, ऐसे करेंगे तो आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। हाँ यहाँ पे आशिक इकबाल खान जी हमारा नंबर लिख दिए हैं, आप लोग उस नंबर को फॉलो कर सकते हैं। और जिनको भी कोई अगर पेड क्लास ज्वाइन करना है, पत्ता सूखने के बाद टूटने लगता है, इसमें नहीं टूटेगा वो, क्योंकि मैंने गीले गीले में इसको चिपका दिया है, ये नहीं टूटेगा, ये ऐसे ही रहेगा। ओके बोतल टूट जाएगा बट ये नहीं टूटेगा। ओके अगर आप बोलेंगे तो हम नेक्स्ट टाइम इस बोतल को हथौड़ी से मार के आपके सामने तोड़ के दिखाएंगे। ओके वो क्योंकि वैसे भी ये हमारे काम के होते नहीं है, जो हम लाइव में आके बता के जाते हैं वो हमारे काम के नहीं होते हैं, इतने हमारे घर में मटेरियल बिखरे हुए हैं लाइव वाले, मैं क्या बताऊं, वो सबको हमको डिस्ट्रॉय करना है। ओके वो क्योंकि उसमें
जो है ना, जो जगह है वो ज़्यादा हमारा बेकार हो जाता है। अगर आप लोग बोलेंगे तो बोतल को तोड़ के दिखाऊंगा, एक हथौड़ी मारूंगा चमाक से टूटेगा ये, है ना। हाँ, जो हमें बैच लगाते हैं ना, ये हमारा एसके आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस की पहचान है। ओके, ये हमारा पहचान है एसके आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस का। जहाँ ये दिख जाए तो जान जाइए कि एसके आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस के टीम के मेंबर लोग हैं। ओके, इसीलिए मैंने ये लोगो बनाया है, और आने वाले टाइम में हमारा एक अलग यूनिफॉर्म भी होगा, उसी यूनिफॉर्म को लेकर बैठेंगे, यानी पहन के बैठेंगे, और उसमें लोगों को एकदम अलग अलग तरीके का होगा, और आपको देख के मज़ा आएगा। ओके, तभी हम अभी बैच से ही हम अपना काम चला रहे हैं, बट आने वाले टाइम में ये सब होगा। ओके, तो अब चलिए हम इसकी कलरिंग करते हैं। तो इसको कलरिंग करने के लिए हम डार्क कलर वो लेते हैं। ओके, कौन सा ब्लैक कलर कहाँ गया, हाँ ग्रीन कलर, ब्लैक कलर ही हम लेंगे, और इसमें डालते हैं आई विल बाई। वैसे क्या चीज़ है, वैसे खरीदना आप चाहते हैं बताइए। लोगो बनवाना होगा तो हमसे कॉन्टेक्ट आप कर सकते हैं, हमने ये बहुत सी कंपनी का लोगो बना के दिया है। ओके, वो क्योंकि हमारा यही काम है, ठीक है। तो अगर आपको लोगो बनवाना होगा तो कॉन्टेक्ट आप कर सकते हैं, बिल्कुल डिफरेंट टाइप का हम आपको लोगो बना के देंगे, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा पतला हम करते हैं। सर ये आपने लोगो ऑनलाइन ही बनाया था? नहीं, ऑनलाइन बनाया नहीं था, मैं ले कर आया था, आप लोगों के लिए बताया था कि इसमें हम दो तरह के लोगो बनाए थे। ओके, उसमें मैंने आपको बताया था कि बताइए इसमें सब ये कौन सा लोगो हम इस्तेमाल करेंगे, तो आप लोगों ने वोटिंग भी किया था कि सर ये वाला लोगो अच्छा है, नंबर एक वाला, है ना। वो गिफ्ट करने में परेशानी है, पता है क्या परेशानी है? वो गिफ्ट का मतलब होता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट में आप तक पहुंचे। अगर मैं आपसे बोलूं कि कोरियर चार्ज हमें वो दे दीजिए तो वो मज़ा नहीं आता है गिफ्ट करने का, है ना, वो बिल्कुल ही मज़ा नहीं आता है। और हो सकता है मैं परसों में लाइव आऊँगा। ओके, परसों में लाइव आऊँगा। और ये जो लोगो है ना, इसकी जो मीनिंग है ना, बड़ी ज़बरदस्त है। ये देखिए, इसमें आपको बहुत सी बात आपको दिखेगी, इसमें एक ही मीनिंग नहीं है, इसमें कई प्रकार के मीनिंग है। ठीक से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये बहुत से इसमें मीनिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, वो देखेंगे तो हर तरह के इसमें आर्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो उसी प्रकार अगर कोई कंपनी होता है, उनका जो बिजनेस होता है, उसके हिसाब से ही हम लोगो बनाते हैं। तो जब हम लोगों के लिए लोगो बनाते हैं तो हम अपने लिए अच्छा क्यों ना बनाए, है ना। तो इसीलिए मैंने ये डिफरेंट टाइप का लोगो बनाया है, और आपको बताना चाहेंगे कि ये लोगो रजिस्टर्ड है। ओके, लोगो ये रजिस्टर्ड है। अब मैंने ये डार्क कलर बनाया है, अब मैं आपको कैसे दिखाऊं इसको, थोड़ा सा नीचे मैं करता हूं ताकि आप लोग को दिखे। इसको आगे हम कर देते हैं। ये बाउल वाला आप लोग, आज इसका आखिरी टाइम है ज्वाइन करने का, आप लोग चाहे तो इसको आप ज्वाइन करके ये आर्ट को आप सीख सकते हैं। ये देखिए कितना अंगूर, ये बच्चा है ना उदास बैठा है कि कोई खा लो मुझे, है ना। ये भुट्टा भी है, तो ये सब अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ, आप आइए हमारे घर आइए, और जितने भी आर्ट है ले जाइए। तो अब हम करेंगे क्या कि जो नीचे वाला पत्ता है हम उसको थोड़ा सा डार्क में लेंगे।
और यहाँ पे इसको मिक्स हम करेंगे पतला पतला से, वो ताकि इसका जो है ना डेप्थ है ना, इसका जो पंखड़ी है ना ये सब दिखे, इसका जो नस है ना वो दिखाई दे। मोटा कलर आपको नहीं लगाना है, अगर मोटा लगाएंगे तो जो पत्ता का जो जो अंदर से जो बारीक बारीक जो लाइन आ रहा है ना, लाइन फिर वो छुप जाएगा। सर लीफ वाली पेंटिंग कंप्लीट हो गई है क्या? नहीं, वो कंप्लीट नहीं हुआ है, उसी का ये पार्ट टू हम बना रहे हैं, जो हम बोतल के ऊपर आप लोग को बना के दिखा रहे हैं। ओके, उसको तो हम बहुत ही सुंदर तरीके से हम बनाएंगे। हाँ, हमारा आर्ट है ना सबसे अलग होता है, आपको ऑनलाइन में वही म्यूरल, वही ऑयल पेंटिंग, वही एक्रिलिक पेंट है ना, बट हमारे पास ऐसा नहीं है, हम आप लोग को बिल्कुल डिफरेंट आर्ट हम आपको सिखाते हैं, है ना। इसमें पता है एक और खास बात है कि इसमें आप जो लगा रहे हैं ना पेंट, अगर इसको ये जोर से अगर आप लगाएंगे तो इसका जो पिछला पत्ता है ना वो भी दिखने लगेगा, तो उसकी जो है ना वो गेटअप अलग ही आएगी। ये देखिए यहाँ पे वो अलग इफेक्ट आएगा। आ रहा है ना, तो यहाँ पे ये है क्या कि ये गीला है, अभी हम लगा रहे हैं ना, तो ये उसके साथ में मिक्स होके पिछला पेंट भी दिखा दे रहा है, बट आप ऐसे भी कर सकते हैं और ये भी सुंदर आ रहा है। ये देखिए इधर से निकल आया, ये पेंट हमने इधर लगाया और इधर ये निकल आया, तो इसको थोड़ा सा आराम से इसको करने की ज़रूरत होती है। ओके ना, तो ये पत्ता यहाँ से आया, इधर से आया। ओके, हमारा मानना है कि आर्ट आप किसी भी चीज़ पे कर सकते हैं, आपके पास बस सोचने की शक्ति होनी चाहिए किसी भी चीज़ से। इसमें आपको हम और भी टेक्निक बताने वाले हैं, अपनी कलर भी यूज कर सकते हैं। हाँ, अरे आप अपनी पेंटिंग बनाएंगे तो आप स्वतंत्र हैं कुछ भी करने के लिए। ओके, कुछ भी करने के लिए आप हैं स्वतंत्र हैं, आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। ओके, हम तो आपको ये ट्रिक बता रहे हैं, बस हमारा काम ही है ट्रिक बताना। ये पत्ता कहाँ से आया, इधर से ही आया है और आप आ गए हैं इधर से। ओके, इसको थोड़ा सा हम सूखने देंगे अच्छे ढंग से। ओके, कटोरी में क्या है, ये कटोरी में हमने पेंट घोल रखा है। ओके, ब्लैक के साथ में ग्रीन कलर, अच्छा लग रहा है ना, आप लोग बताते जाइए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बट ये अभी यहीं पे कंप्लीट नहीं है, इसमें वही है ना कि आप जितना इसमें आप काम करेंगे ये उतना ही सुंदर बनेगा। अब आपको हम इसी एक घंटे में उसकी कलरिंग भी करके दिखाया, चिपका के भी दिखाया है ना, तो आर्ट में थोड़ा टाइम लगता है, तो आप लोग आराम से आर्ट देखा कीजिए और समझा कीजिए।
चाहे वो हमारा आर्ट हो चाहे और किसी का आर्ट हो। ये अभी पत्ता इधर से आ रहा है, इधर से निकला है, तो हम भी इधर से पेंट निकाल देते हैं। इधर आइए, अंजलि प्रकाश जी वेलकम, सुनीता मेहता जी वेलकम, नेहा किरण वेलकम। अभी आपको नज़दीक से इसको हम दिखाएंगे। ये बहुत ही एंटिक लुक आया है, बहुत ही सुंदर, और इससे भी एंटिक आपको और भी करके आपको दिखाएंगे। थोड़ा सा सूख जाए ना तो हम आपको दिखाएंगे, इसको फाइनल करके ही हम जाएंगे। जब तक ये फाइनल होंगे नहीं हम उठेंगे नहीं, नहीं तो फिर आप लोग कल होकर भूलेंगे सर वो पेंटिंग कंप्लीट नहीं हुआ, तो हमें भी ये बहाना देना अच्छा नहीं लगेगा। अब इसमें हम क्या करते हैं कि ये तो मैंने ये किया है ना, बट अब ये कंप्लीट नहीं है, अभी थोड़ा सा इसको अभी हम और सुंदर करेंगे। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, रिपीट कीजिए, हम इसको रिपीट करेंगे बाद में, अभी नहीं, लास्ट टाइम में। तब तक आप लोग थोड़ा सा इसको बनते हुए देखिए। अब इसमें हम येलो कर हम लेंगे, डायरेक्ट येलो कर, और इसको लगाएंगे। कहाँ गया येलो ओकर, ये रहा येलो कर, इसमें हम निकाल लेते हैं येलो कर। आ जाइए येलो कर, नहीं येलो कर नहीं है, ये राव सेना है, येलो कर शायद नहीं है, हम राव सेना ही लगाएंगे। बट राव सेना हमने येलो कर हम लगाएंगे तो राव सेना में थोड़ा पीला मिक्स हम करके इसको राव नहीं येलो कर की तरह हम बना लेते हैं। ओके, येलो कर की तरह राव सेना में पीला डाल के बना लेते हैं, लगभग में बन जाता है वैसा। ओके ना, तो ये हम अब इसको इसके जो पत्ता है ना, ये जो पत्ता आ रहा है ये इधर साइड वाला, हम इधर अब थोड़ा सा इसकी शेडिंग देंगे। थोड़ा सा इसमें लगा के, अभी ये थोड़ा सा ये गीला है ना तो थोड़ा सा ये निकल जा रहा है, बट ये बहुत ही सुंदर आ रहा है। आप लोग बनाइएगा, आप लोग को मज़ा आएगा। हमारा काम है ट्रिक बताना, है ना, आर्ट के बारे में ज्ञान देना, और आपका काम है ज्ञान लेना, है ना। तो ज्ञान लेते जाइए और बनाते जाइए, हम भी खुश आप भी खुश। हाँ रियली पत्ता है ये, मैंने रियली ही पत्ता चिपकाया है, ये देखिए ना, ये रियल पत्ता ही चिपका है, ये देखिए रियल पत्ता ही है। हम इसको थोड़ा सा कलर से इसको सुंदर बना रहे हैं, इसको सजा रहे हैं दुल्हन की तरह, है ना, सोलह श्रृंगार कर रहे हैं। आप लोग बताएंगे कि सोलह ये श्रृंगार में कौन कौन से श्रृंगार आते हैं, आप लोग बता सकते हैं, बताइए। ये आप लोग के ये लिए जानना बेहद ही जरूरी है कि इस श्रृंगार में आता क्या क्या है। लोग बोलते तो हैं 16 श्रृंगार,
अभी देखिए इसमें करने से ना ये पत्ता का जो है ना ऊपर का पेंट है हल्का सा हट रहा है, तो ये सुंदर आ रहा है इफेक्ट, सुंदर इफेक्ट आ रहा है। बिना गूगल किए हुए आप लोग को क्वेश्चन बताना है कि 16 श्रृंगार में क्या का श्रृंगार आता है, बिंदी लगाना, नाकबाली नथनी पहनना, चोटी लगाना, और क्या क्या आता है आप लोग बताइए। बिंदी मांग टीका एक ही बार में लिखिए, 16 के 16। तब हम जानेंगे, ये तो आसान है, बिंदी पायल चोटी टीका है ना। अब ये देखिए ये करने से गजब का आ रहा है, रियल में आ रहा है ना, आ रहा है ना गजब का। ये चीज करने से ये देखिए आ रहा है ना गजब का आ रहा है, तो इसीलिए हम गजब वाला काम इसमें हम कर रहे हैं कि ताकि आप लोग को ये आर्ट देख के मोटिवेशन मिले, है ना, मोटिवेट हो। और जब मोटिवेट होंगे तो आप लोग जोश में आके के बोलेंगे कि हाँ हम करेंगे ये काम, है ना। तो ये सब बातें हैं, तभी हम इसको करेंगे और इसको करते जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इसको रियल लुक हमको दिखाना है। और एक और बात आपको बता रहे हैं कि इसमें आप जितना इसकी कलरिंग करेंगे ना उतना ही सुंदर बनेगा, ये बहुत सुंदर बनेगा ये। जितना चीनी डालेंगे उतना ये मीठा हो जाएगा। वैसे एक बात बताएं, हम चीनी वैसे खाना हमें पसंद है, बट चाय में ज़्यादा चीनी हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कान की बाली और आप लोग बताते जाइए, आप लोग बताते हैं ना तो अच्छा लगता है। नौलोकी हार, नौलखा हार, अच्छा ये नौलखा हार के बारे में आप लोग बताइए, नौलखा हार क्या वाकई में 9 लाख का आता है क्या, और क्या अभी भी उसकी कीमत 9 लाख ही है, या इसका मतलब और कुछ होता है, आप लोग बता सकते हैं। नौलखा हार, इस पे गाना भी है, मुझे 9 लाख मंगा दे रे वो सजनी दीवानी, यही है ना, बहुत अच्छा गाना है ये। सर ग्रीन पत्ता कितना ड्राई किया मैंने, गीला गीला ही चिपका दिया, ओके, बट जो आपको कलरिंग करना है ना सूखने के बाद, पत्ता जब सूख जाए एक दो दिन के बाद तब करना है तो मजा आएगा, बट यहाँ पे मजबूरी है, मुझे अभी करके दिखाना है, इसलिए हम ये आपके सामने इसको करके दिखा रहे हैं। लिप ड्राई होने में कलर चेंज नहीं होगा, कैसे चेंज होगा आप लोग बताइए, अगर हल्का फुल्का अंदर से चेंज हो जाता है तो हम तो ऊपर से पेंट कर रहे हैं, है ना। अब बताइए, चाहे कोट आदमी बच्चा पहने, जवान पहने, बुढ़ा पहने, अंदर का बॉडी दिखता नहीं है कि अंदर में ब्लैक है कि गोरा है कि चिकना है कैसा, है ना, ऊपर से कोट ही दिखता है। इसी प्रकार ये भी है, जब आप पेंट इसके ऊपर आप लगा रहे हैं तो पेंट ही दिखेगा, अंदर का कुछ नहीं दिखेगा।
आप लोग का जो जो क्वेश्चन होता है ना वो बड़ी ही अच्छा होता है। ये देखिए पत्ता, क्या बात है, गजब, अद्भुत। इसमें एक और ट्रिक आपको बताते हैं, वो थोड़ा गोल्डन कलर लाइएगा। किससे चिपकाया लिप को? मैंने एलर डाइट से चिपकाया है ये, इस मटेरियल से। ओके, इस मटेरियल से। ओके, आप एलर डाइट का ही इस्तेमाल करेंगे, वो ज़्यादा मजबूत रहेगा, वो नहीं। अच्छा लाइए, वही लाइए, वही लाइए। और ये गोल्ड है ना, ये जब ये थोड़ा सा डार्क होगा ना, तो इसके ऊपर में आप वो गोल्ड अगर आप लगाएंगे ना, तो ये जो पतली पतली लाइन आ रहा है ना, वो लाइन चमकेगा, वो लाइन चमकेगा, मज़ा आ जाएगा। और रही बात कि इसकी जो है शेडिंग की है ना, आप यहाँ से और इसको डार्क करके इसको कर सकते हैं ना, बट आपको मेन चीज़ आपको पत्ता का इफेक्ट आपको दिखाना है कि कितना सुंदर आ रहा है, रियल लुक आ रहा है पत्ता का, है ना। डिकोपैच ग्लू यूज कर सकते हैं, इस पर नहीं यूज कर सकते। ओके, बोतल के ऊपर में फेविकोल नहीं, और जो डिकोपैच वाला जो ग्लू है उसका भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके, अगर इस्तेमाल करेंगे तो एलर्डाइट या हॉट ग्लू आता है ना, जो ऐसे गन से मारते हैं, है ना, वो निकलता है ऐसे दबाने पे, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी मजबूत होता है। ओके, तो है ना, आया ना अच्छा अच्छा चीज़ इफेक्ट, और ये मजबूत है, निकलेगा नहीं, ये पक्का पकड़ लिया है। आप अगर बोले तो नेक्स्ट टाइम में इसको हम ऐसे हथौड़ी मारेंगे और इसको तोड़ के दिखाएंगे। ओके, तोड़ के दिखाएंगे क्या ये आसानी से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। ये मोना आटे जी वेलकम। तो ये मजबूती से आ गया है। अब ये हमने आपके सामने ये चिपकाया था ना, ये ऐसे ही आपको चिपकाना है, तो इसको अभी अच्छी तरह से चिपकने में कम 1.5-2 घंटे के बाद आपको इस धागा को निकालना है, ये मजबूती से पकड़ लेगा। ओके, तो आपको इस ट्रिक से ये शीशा के ऊपर आप चिपका सकते हैं पेपर को, बट एलर्डाइट से मजबूती से पकड़ेगा। आप लोग इसका ट्राई कीजिएगा, आपको मज़ा आएगा। जब जब मज़ा आएगा तो आप लोग का भी आर्ट हम देख के आनंद उठाएंगे, और आप लोग को यही बोलेंगे कि अगर हमारे आर्ट से आपको फ़ायदा होता है, आर्ट सीखते हैं, तो जो भी आप आर्टिकल्स आप बनाएंगे वो मुझे आप पर्सनली आप से हमको भेजेंगे। ओके, और अगर वैसे भेजना नहीं चाहते तो एक हमारा ग्रुप है SK आर्ट पॉइंट, आप उसमें डालेंगे। वो ग्रुप स्टूडेंट लोग के लिए ही मैंने बना रखा है। ओके, ओनली स्टूडेंट लोग के लिए है, उसमें स्टूडेंट लोग अपना आर्ट दिखाते हैं, तो आप उसमें शेयर आप कर सकते हैं। 6000 से ज़्यादा लोगों ने उस ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ है, SK आर्ट पॉइंट। ओके, इस नाम से मेरा ग्रुप है, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगर मिल जाएगा तो उसमें डाल दीजिएगा, है ना, है ना, गजब का। ये वही पत्ता है, ये देखिए, ये यही पत्ता है, बट अब यहाँ पे इसकी जो शक्ल है चेंज हो गई है, और जो इससे पहले जो मैंने किया है कहाँ गया वो, अभी आपको दिखाते हैं, एक मिनट। हाँ, एरल लाइट से बोतल को आपको चिपकाना है। अब देखिए, ये मैंने जो अभी पेंट किया है ना, ये तो मैंने पेंट कर दिया है, अभी मैंने ये पेंट कर दिया है, अभी मेन जो कलाकारी है इसके ऊपर बाकी है। ओके, तो हम इसकी जो कलाकारी है ना, आराम से करेंगे और बढ़िया करेंगे। ओके, और जब बढ़िया करेंगे तो आप लोग को मज़ा भी आएगा, है ना, इसीलिए हम उसको अच्छा आशिक इकबाल खान जी ये सब लिख दिए हैं, वो गूगल से देख के अच्छा है।
अच्छा सर, शॉर्ट रिपीट कर दीजिए। ओके ठीक है, हम कर देते हैं क्योंकि लास्ट टाइम हो रहा है जाने का, तो हम कर देते हैं। एक ये बोतल है, इसको इसको क्या बोलेंगे, बियर की बोतल है ना, या विस्की कुछ भी मान लीजिए है ना। तो ये बोतल है, तो ये बोतल के ऊपर हमने क्या किया, इस एलर डाइट से, बट ये कंपनी अलग है, ये पीडी लाइट की कंपनी है। ओके पीडी लाइट है ना, इसकी कंपनी है, बट आप ये होता है मेन चीज लिखा हुआ। ओके स्टैंडर्ड एपॉक्सी एडेसिव। ओके तो आपको एलर डाइट आपको लेना है और इस पत्ता के पिछला साइड में ये लगाना है, और लगाने के बाद इस पत्ता को आधा एक घंटा छोड़ देना है, और इतना भी नहीं छोड़ना है कि वो सूख जाए। ओके चिपचिपा रहना चाहिए। ओके चिपचिपा रहना चाहिए। तो आपको जितना भी पत्ता लगाना है इकट्ठे 5-6-7 लगा के रख दीजिए, और ठीक आधा पौन घंटा के बाद उस पत्ता को उठाइए और इस बोतल के ऊपर में डायरेक्ट आपको लगाना है। इसके ऊपर में कुछ भी नहीं लगाना है, डायरेक्ट आपको लगाना है, डायरेक्ट आपको ऐसे लगाना है, ऐसे ऐसे। एक ये पत्ता हमने लगा दिया, एक ऐसे लगा दिया जिसमें हमने गम लगाया हुआ है, और एक ऐसे लगा दिया, और लगाने के बाद किसी भी धागा से इसको बांध देना है, इसको ऐसे बांध देना है, ये जैसे मैंने बांधा हुआ है ना। अभी ठीक, हमें 1-1.5 घंटे के बाद इसको खोल देंगे तो ये आसानी से चिपक जाएगा, बट इसी बीच में आपको थोड़ा सा आपको देखते रहने भी है कि कहीं से चिपका तो नहीं है। अभी ये देखेंगे कि कहीं पे ये उठा हुआ है ना, तो इसको हम दबा देंगे तो ये फिर से ये चिपक जाएगा, ऐसे आपको बीच बीच में चेक करना होगा। ओके उसके बाद ये जब अच्छी तरह से सूख जाएगा, जब ये आपका पत्ता है ना, ये हरा से कैसा बन जाएगा, मेरे ख्याल से ऐसा बन जाएगा, ये ब्राउन बन जाएगा ना, इसको ब्राउन ही बोलेंगे, ये बन जाएगा। तब इसको ऊपर में आपको डायरेक्ट कोई भी एक्रिलिक पेंट आप इसके ऊपर में इस्तेमाल कर सकते हैं, जेसो इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और इमल्सन इस्तेमाल कर सकते हैं ये वाला। ओके और उसके बाद जैसे मैंने कलरिंग किया है, बट एक बात का ध्यान देना है, मोटा कलर नहीं लगाना है। मोटा कलर अगर आप लगाएंगे तो जो इसका जो इम्प्रेशन आ रहा है ना, ये इसकी जो आ रही है लाइन आ रही है, वो लाइन फिर इसकी चली जाएगी। ओके पतला पतला ही पेंट लगाना है ताकि इसका इम्प्रेशन दिखे। उसके बाद आपको इसको थोड़ा सा ये इसकी शेडिंग देनी है डार्क लाइट में, आपको जो अच्छा लगे, जैसा कलर के आपको इसको पत्ता चाहते हैं वैसा आपको करना है, और उसके बाद ये फाइनली आपके सामने है। और उसके बाद भी अगर कुछ करना चाहते हैं तो इसके ऊपर आप गोल्डन कलर का ये पतली पतली है ना, ये जो लाइन है ना, इसके ऊपर में लाइन दे सकते हैं ये, और ये इम्बोज आ जाएगा, अच्छा में लगेगा। बट वो गोल्डन कलर वहीं पे इस्तेमाल करना है जब पत्ता ज़्यादा डार्क हो, जब ज़्यादा डार्क रहेगा ना तो जो गोल्डन कलर का आप उस पर इफेक्ट आप देंगे ना तो वो निखर के आएगा। तो हो गया, और कुछ क्वेश्चन उश्चन है तो आप लोग बताइए, और बाकी के जो उस वाले बोर्ड में हम बहुत अच्छा आर्ट करने वाले हैं, बहुत सुंदर आर्ट करने वाले हैं, तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। ओके एक आध दिन और लगेगा, बट उसमें क्या इसको क्लीनिंग वाड़ा कर सकते हैं धागे की जगह, मास्किंग टेप आप चिपका सकते हैं, आप चाहें तो मास्किंग टेप ये चिपका सकते हैं, बट उसमें दिक्कत क्या है पता है क्या, क्योंकि मास्किंग टेप होता है मोटा, जब आप चिपकाएंगे अगर गलती से उसके नीचे में वो गम आ गया है तो मास्किंग टेप को भी वो चिपका लेगा, यानी दोनों मिल जाएगा, हम तुम्हारे हैं समय वाली बात हो जाएगी है ना। तो इसलिए मास्किंग टेप का इस्तेमाल नहीं करना है, धागा ही अच्छा है, रबड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, धागा इसलिए अच्छा है ना वो क्योंकि ये होता है पतला होता है, आसानी से निकल जाएगा। अगर यही अगर मोटा एरिया लेकर चलेगा तो ज़्यादा पकड़ बनाएगा, तो जब आप निकालेंगे तो उसमें वो चिपक जाएगा। ओके तो हम आपको यही बोलेंगे, धागा या रबड़, दोबारा अब हम नहीं बताएंगे।
आपने जो फोटो दिखाया था वो दोबारा दिखाइए, ये फोटो देख लीजिए, इसकी लास्ट डेट है ज्वाइनिंग का, बट आप लोग अगर चाहते हैं तो कल मॉर्निंग तक भी इसका फीस आप पे कर सकते हैं, ओके, कल भी फीस पे आप कर सकते हैं। और बाकी एक और बात आपको बता रहे हैं, इसकी हमारी अभी अभी जो है ना, ये देखिए, ये बिना मार्बल पाउडर का मैंने रिलीफ पेंटिंग बनाया है, जो अब तक भारत में बिना मार्बल पाउडर के रिलीफ पेंटिंग बनाने वाला सिर्फ मैं हूँ, भारत क्या वर्ल्ड बोल सकते हैं, ओके, ये लीजिए, वर्ल्ड बोल सकते हैं। इससे पहले मैंने कोयला से भी मैंने रिलीफ पेंटिंग बना के आपको दिखाया है ना, वो क्योंकि जो रिलीफ पेंटिंग तो आपको हर जगह देखने के लिए मिलता है और ये कोई बड़ा आर्ट नहीं है, 2 महीना के ट्रेनिंग में आप रिलीफ पेंटिंग के अच्छे कलाकार बन सकते हैं, इसीलिए आपको ऑनलाइन में ज़्यादातर हर जगह रिलीफ ही रिलीफ दिखाई देती है, ओके, इसीलिए वही डिजाइन हर जगह घूमते रहता है, वही वो, क्योंकि ये आसान है, कोई वो मुश्किल वाला बात नहीं है, इसीलिए हम स्पष्ट बोलते हैं कि 2 महीने के ट्रेनिंग में, ओके ना, आप रिलीफ में अच्छे कलाकार बन सकते हैं और अपना काम भी कर सकते हैं, और लोग इससे काम अपना सीख के अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, अच्छा बात है ना, हुनर इसीलिए सीखा जाता है जिससे लोग बिजनेस कर सके, है ना। और कोई डाउट उठ हो तो आप लोग बताइए, एक मिनट का हाथ उठाइए, वो हिल रहा है कैमरा। हम इसे पॉट की तरह यूज कर सकते हैं, हाँ आप इसको पॉट पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, बस जो जो चिपकाने वाला ग्लू है वो मजबूत होना चाहिए, वो हर जगह काम करेगा। जिनको हमारी बात अच्छी नहीं लगती है तो वो कृपया करके यहाँ से चले जाए, वो क्योंकि अब ये मेरी बात तो आपको अच्छी लगी नहीं रही है, तो खाम का और अगर आप सुनेंगे तो और आपको आनंद नहीं आएगा, और एंग्री वाला स्टिकर आप छोड़ेंगे, है ना, तो ये अच्छा बात नहीं है, ठीक है। हम जो भी बात होता है हम स्पष्ट बोलते हैं, और यही वजह है कि लोग हमें पसंद कर रहे हैं आज के डेट में, ओके, खूब हमें फॉलो कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, वो क्योंकि यहाँ पे इनोवेटिव आर्ट सीखने के लिए मिलता है। सर बॉल वाली आर्ट का नाम क्या है? बॉल वाले का ये है लामसा क्ले से बनाया हुआ है, ओके, नहीं जो आपने फोटो दिखाया था, मैंने फोटो कौन सा दिखाया है, नहीं ये वाला की बात कर रहे थे, लाइन इधर से, ये तो हमारा है प्लाई बोर्ड, ओके, ये प्लाई बोर्ड है, इसके ऊपर मैंने पत्ता चिपकाया है, ओके, सेम मैंने इस टेक्निक से मैंने चिपकाया है, बट इसमें हमने फेविकोल इस्तेमाल किया है, ओके, और फेविकोल चिपकाने के बाद इसमें मैंने ऊपर से कोटिंग मैंने किया था उस प्यू से। प्लीज शो द ओरिजिनल बोर्ड, ओरिजिनल बोर्ड मैं कैसे दिखाऊं, उसके पीछे में तो हमारा ऑलरेडी वो पेंट किया हुआ है, तो ओरिजिनल बोर्ड आप कौन सी बोर्ड की बात आप कर रहे हैं, प्लाई बोर्ड, ओके, और ये जो इससे पहले जो हम आपको दिखाए थे रिलीफ पेंटिंग, ये जो मैंने बिना मार्बल पाउडर के सहायता से मैंने बनाया है, ओके, ये पॉट की तरह इसको यूज कर सकेंगे जो जो क्लास आपको ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हैं। एक बार आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, जो भी डाउट होगा आप हमसे आप पूछ लीजिएगा, अभी मैं आपकी बात को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ओके, तो ये हमारा फाइनली आर्ट आपके सामने है ना, बट ये और भी सुंदर हो सकता था, बट मैंने आपको ट्रिक बता दिया है, इसलिए बताया है वो ताकि आप इस ट्रिक के माध्यम से आप और भी अच्छे अच्छे आर्ट कर सकें। हमारा यही मकसद है आप लोग को अच्छा अच्छा आर्ट का ट्रिक बताना, बस लोग तो एक ही तरह के आर्ट लेकर आते हैं, बट मैं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट आर्ट मैं लेकर आता हूँ, इसीलिए
कि ताकि आपको आर्ट में नया नया सीखने के लिए मिले। अब आप बताइए कि किसी ने कभी सोचा नहीं होगा कि बोतल के ऊपर पत्ता चिपकाया जा सकता है, बोलिए किसी ने नहीं सोचा होगा कि बोतल के ऊपर में पत्ता चिपका के कैसे आर्ट हम करेंगे। बट यहाँ पे मैंने आपके सामने इसको करके दिखाया है। इस पे ये क्ले वर्क कर सकते हैं क्या? तो अगर क्ले वर्क अगर आप अगर करना भी चाहते हैं ना तो आप इसके ऊपर में आप कर सकते हैं। बट याद रहे कि पिछला जो इसका जो बैकग्राउंड है ना वो खराब नहीं होना चाहिए, वो क्योंकि ऑलरेडी ये मजबूत है, बेस तो मजबूत है। हाँ सोचने को सोच सकते हैं बट इसको करेंगे कैसे ये होती है बड़ी बात जो मैंने करके दिखाया आपको। एक बात बताइए सर जी, बताइए अंजुजैन जी, बोलिए आप क्या पूछना चाह रहे हैं। बोतल पर पीऊ क्यों नहीं यूज किया? वो क्योंकि इसके पीछे में ऑलरेडी जो मैंने एडेसिव जो लगाया है, जो गम लगाया है, वो ऑलरेडी वो काफी मजबूत है। ओके वो काफी मजबूत है तो इसलिए इसके ऊपर में और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट आप इसमें आप ये पेंट यूज कीजिए। आप चाहे तो एला डाइट का आप इस बोर्ड पे भी डायरेक्ट लगा के पेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ज़्यादा एरिया में काम करेंगे तो एला डाइट आपको ज़्यादा लगेगा, महंगा पड़ जाएगा, है ना। इसलिए मैं आपको अलग अलग वो टेक्निक से मैंने ये बात आपको बताया कि ताकि आपको दिक्कत ना हो जानने में समझने में। ओके ना, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।